राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज पर वक्तव्य किया। इसके बाद यह वक्तव्य विवाद का विषय बन गया और भगत सिंह कोश्यारी के विरोध में पूरे राज्य में आंदोलन का सिलसिला शुरू हुआ। इसी श्रृंखला में युवा सेना द्वारा आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का पुतला फूंककर राज्य की जनता से माफी मांगे ऐसी मांग की गई है। युवा सेना उप जिला प्रमुख पंकज अहिराव के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। इस दौरान युवा सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा भगत सिंह कोश्यारी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के वक्तव्य के बाद जो है पूरे राज्य में विपक्ष जो है आक्रामक होते दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हो कि हर रोज जो है विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आज भी शिवसेना के युवा सेना द्वारा जो है आंदोलन किया गया, निषेध व्यक्त किया गया। हमने देखा भगत सिंह कोश्यारी का यहाँ पुतला भी फूंका गया है। क्या बोलोगे कि आज आपने ये जो आंदोलन किया है, हम देख रहे हैं ये सिलसिला जो चालू है, आपकी क्या मांग? हमारी ये मांग है, जो राज्यपाल जो है ये बहुत ही घटिया इंसान है। उन्होंने हमारे आराध्य दैवत है उनका उन्होंने घोर अपमान किया हुआ है। उनको एक तो यहाँ से महाराष्ट्र से उनको गुजरात ट्रांसफर किया जाए, ये हमारी मांग है। उन्होंने इसके पहले भी मुंबई के बारे में बुरा हुआ था, उन्होंने बोला था यहाँ से गुजराती लोग पूरे चले जाएंगे तो मुंबई की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएंगी। हमारा ये कहना है कि उनको हमारे महाराष्ट्र में नहीं रहना, उनकी तुम्हारी ट्रांसफर की जाए करके। ये ऐसे हमारे आंदोलन कंटिन्यू मैडम चलते रहेंगे जब तक उनका वो माफ़ी मांगेंगे नहीं। हमारी इससे शिवसेना से या हमारे महाराष्ट्र से उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र की जनता से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसी मांग युवा सेना द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।